Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edoverse News Analysis. Today is 22nd April 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Edoverse News Analysis. Link aapko description box mein provided hai. Make sure video ko last tak dekhe so that sari important news aapki yahan par cover ho. To chaliye start karte hain aur dekhte hain aaj hame kya kya discuss karna. Now our first article is upgraded x-ray machines to fast track baggage check at airports by end of the year. Now यहाँ पर क्या हुआ था, when there was a outbreak of COVID-19, जब COVID-19 यहाँ पर आया था तो उसके कारण हमें जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट्स, मुंबई एंड बेंगलुरु के एयरपोर्ट्स में हमें ओवर क्राउडिंग को विटनेस करना पड़ा. ओवर क्राउडिंग क्यों विटनेस करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, है ना, जैसे कि आप जब एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो आपकी वहां पे पूरी चेकिंग होती है, तो जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें कुछ फ्लॉस फाइंड आउट मतलब कि मिले हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे ये देखना पड़ा कि लोगों को ज्यादा टाइम तक यहाँ पर क्यूज में यहाँ पर वेट करना पड़ा. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हैज ऑर्डर्ड ऑल मेजर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री टू अपग्रेड बैगेज एक्सरे मशीन्स बाय एंड ऑफ द 2023 सो दैट पैसेंजर वॉन्ट हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ड्यूरिंग स्क्रीनिंग ऑफ हैंडबैग्स. यहाँ पर क्या होता था, जब आपकी स्क्रीनिंग की जाती थी तो आपके हैंडबैग्स में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, है ना, तो उसको आपको बैग से निकालना पड़ता था. जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो उनको निकालना पड़ता था. क्यों, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग में वो प्रॉब्लम करता था. ये हमें फ्लॉ सामने नजर आया, जिसके कारण अब ये कहा गया है हमें, मतलब कि जैसे अभी तो सिचुएशन थी कोविड-19 के टाइम पर ज्यादा ओवरक्राउडिंग विटनेस करनी पड़ी ड्यू टू दैट रीजन. ओके, इसी के चलते यहाँ पर अब ये कहा गया कि हमारी जो बैगेज की एक्सरे मशीन्स है उसे यहाँ पे अपग्रेड करना होगा, और जो ये स्क्रीनिंग है इसको और ज्यादा क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा, जिसके कारण हमें इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है फर्दर फेस करनी ना पड़े. ओके, तो ये किसके थ्रू कहा गया है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के थ्रू कहा गया है. ओके, अब इसमें ये हमने ये कहा कि हम एडॉप्शन ऑफ CTX एंड एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन कंप्यूटर टोमोग्राफी मैंडेटरी फॉर ऑल एयरपोर्ट्स विद ओवर 50 लाख एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक बाय December 31st. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडॉप्ट कर रहे हैं CTX एंड एक्सरे बैगिंग इंस्पेक्शन सिस्टम, जिसमें हम यहाँ पे CT का यूज किया जाएगा. कंप्यूटर टोमोग्राफी को यहाँ पे मैंडेटरी बना दिया गया सारे एयरपोर्ट्स के लिए. ओके, एट प्रेजेंट हमारे पास जो एक्सरे मशीन है, मतलब कि एक्सरे मशीन का यूज किया जाता है बैगेज के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, वो कैसा मॉडल है, 2D पिक्चर को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, 2D पिक्चर को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि हम न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, जिसके कारण जो हमारी एक्सरे मशीन होंगी वो 3D पिक्चर्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी. इससे क्या होगा, मतलब कि एक हमारे पास क्या होगा, हैव बेटर ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, मतलब कि आपके बैग में कुछ एक्सप्लोजिव आइटम्स तो नहीं है, उसको हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. तो ये कहा गया है कि एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि 2023 के एंड होते होते हमें जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं वहां पर जो हमारा एक्सरे मशीन है उसको यहाँ पे फास्ट ट्रैक बनाना होगा और उसे अपग्रेड करना होगा. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज वुमेन चेस्ट शॉट एट मल्टीपल टाइम्स ऑन साकेत कोर्ट प्रमाइसेस शूटर हेल्ड. अब आप सभी ने ये इस न्यूज को यहाँ पे देखा होगा कि जो सूरत कोर्ट है उसके बाहर यहाँ पे एक वुमेन को क्या किया गया है, यहाँ पे चेस्ट किया गया है और आप उसको शूट भी किया गया है. ओके, अब ये इशू ये था, देखिए न्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो वुमेन थी वो किसकी थी, एक्यूज थी, ये सूरत हाई कोर्ट में आए थे. इनका ये इशू ये था कि पहले मतलब कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उनसे एक फॉर्मर एडवोकेट थे, उनके साथ उन्होंने उनको इस वुमेन को यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया था 25 लाख रुपीज, और इस वुमेन ने यहाँ पे क्या किया था, उसको डिफॉल्ट कर दिया था रीपेमेंट में. ओके, इसी के चलते यहाँ पे सूरत हाई कोर्ट में मतलब इनका केस चल रहा था. अब यहाँ पर ये जो पूरा इशू है, इसी के चलते यहाँ पर जो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मतलब कि इस वुमेन के अगेंस्ट में जो विक्टिम था, है ना, जिसने यहाँ पे शूट डाउन किया है, तो उन्होंने सिर्फ इसी के कारण यहाँ पे इस पर शूट डाउन किया. तो देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि हमने तो पूरा न्यूज देख लिया कि हाँ ये पर्टिकुलर न्यूज है, बट क्वेश्चन उठता है हमारे लॉ एंड डिसऑर्डर पर, है ना, कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है उस पर सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है. तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कैपिटल हैज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, कमिंग डाउन हैवली ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना. तो इन्होंने ये कहा कि
ये जो इंसिडेंट हुआ है उसने क्या किया है, मतलब कैपिटल का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अब देखिए दिल्ली में ऐसी कंडीशन हो रही है, ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो आप अदर स्टेट्स में कैसे मतलब कि सिक्योर कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस में उठता है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में। इवन जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी क्वेश्चन किया है किस में, सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि लॉयर्स क्वेश्चन सिक्योरिटी एट द साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि मतलब अगर इस तरीके की चीज़ें चलती हैं कोर्ट के बाहर, आप सोच सकते हैं कि जुडिशरी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसके बाहर अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हम किस तरीके से, मतलब कैपिटल में, हमारे कैपिटल में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती तो हम अदर स्टेट्स में, अदर प्लेसेस में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज टेरर ऑन द रोड। हम सभी ने इस न्यूज़ को कल यहाँ पर पढ़ा था, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट में, आप सभी को पता है पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर जो हमारे मिलिटेंट्स थे वहाँ पे 5 मिलिटेंट्स के यहाँ पे क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये टेरर अटैक है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे मतलब कि जो वेदर था वो यहाँ पर अच्छा नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह हुई, थंडर वगैरह, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो ऐसा इंसिडेंट हुआ है। बट इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स कश्मीर स्ट्रेटजी एंड एटीट्यूड टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि ये जो अटैक है ये टेरर अटैक है। ओके, यहाँ पे मतलब कि फॉरेन टेरर अटैक इसको माना जा रहा है। आप सभी को पता है कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस किया था जिसमें कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाक फॉरेन मिनिस्टर, वो यहाँ इंडिया में आने वाले हैं। SCO का जो समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है गोवा में नेक्स्ट मंथ, तो उस मीटिंग के लिए यहाँ पर उसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर वो जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उनसे यही होगा, ये जितने भी यहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, जो भी ये टेरर अटैक्स हो रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर आएगा। ओके, अब धीरे धीरे जो हमारे बीच में, मतलब कि आप सभी को पता है इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। इवन आप देखेंगे पहले जब भी हमारे जो रिलेशन है, आप ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, टेरर ऑन द रोड एंड द LOC एग्रीमेंट ऑन 2007 डिजर्व अ रीलुक। तो इन दोनों आर्टिकल्स में मतलब हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए पहले देखते हैं हम जब यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा जो रिलेशन्स है उसको हम यहाँ पर रिवाइव नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे 2007 में हमने यहाँ पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ के बीच में यहाँ पे क्या हुआ था, हमने यहाँ पे साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिससे हम क्या कर पाएंगे, हमारे जो रिलेशंस उसको नॉर्मलाइज करने की बात करेंगे। बट वहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान में 2007 में यहाँ पे जुडिशली इरप्टेड हो गई, उसके बाद 2008 में क्या हुआ, 26/11 आप सभी को पता है मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पठानकोट अटैक होता है, पठानकोट के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट होता है हमारा पुलवामा अटैक। तो मतलब धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिल रहा है एक पॉइंट से कि जब भी मतलब कि इंडिया एंड पाकिस्तान अपने रिलेशंस को यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साइड से ऐसा हो जाता है कि जो हमारे रिलेशन है उसको हम यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल बॉर्डर की बात की गई कि हमें क्या करना है, जो बॉर्डर है उसको मतलब कि जो हमारे इश्यूज हैं उसको नॉर्मलाइज करना है। इसके चलते यहाँ पे 2014 में जब हमारे न्यू गवर्नमेंट आती है वहाँ पर बात की जाती है कि हमारे जो रिलेशंस हैं उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे 4-पॉइंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए थे, बट इस 4-पॉइंट सॉल्यूशन को फिर हमने क्या किया था, 14-पॉइंट सेट ऑफ गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड किया, जिसमें हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा, एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ब्रिंगिंग डाउन मिलिट्री प्रेजेंस बट नॉट डीमिलिटराइजेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LOC हिंजेस ऑन द सिंपल आइडियाज लाइन ऑफ कंट्रोल हैज टू बी रिस्पेक्टेड लाइक अ नॉर्मल बॉर्डर। तो हमने इस तरीके के कुछ पॉइंट्स रखे थे, 14 पॉइंट्स गाइडलाइंस रखी थी, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को क्या होना था, इंगेज होना था। बट उसके बाद जब ये आइडिया, सिर्फ ये एक आइडिया था, इसको सामने मतलब कि रखा नहीं गया था, एक आइडिया प्रेजेंट किया गया था कि जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो एक इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर, उसका जो इक्वेशन है उसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ। बट धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला, जो रिलेशन है हमें, जो वेरियस टेरर अटैक, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे वेरियस, इसके बाद ये जो आइडिया रखा गया उसके बाद कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे टेरर अटैक देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मुंबई से पठानकोट, पठानकोट से पुलवामा, हैव रन अ वीटो ओवर इंडियन इनिशिएटिव टू रीस्टार्ट डायलॉग। तो ये जितने भी टेरर अटैक है वो किस तरीके का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे वीटो का रोल कर रहे हैं,
एज अ वीटो पावर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं इन इंडियन इनिशिएटिव टू रिस्टार्ट डायलॉग। तो मतलब कि जब भी इंडिया डायलॉग स्टार्ट करने जाता है, रिस्टार्ट करने जाता है, तो जितने भी टेरर अटैक है एज अ वीटो पावर उसके सामने यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे और मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज यहाँ पर नहीं हो पा रहे। जब यहाँ पर देखा पुलवामा के बाद, आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हुआ है कि 2019 में ही हमने यहाँ पर क्या किया, जो आर्टिकल 370 था उसे एब्रोगेट किया, ओके अमेंडमेंट किया यहाँ पर। दो ये आर्टिकल यहाँ पे क्या था, टेम्प्ररी आर्टिकल था, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे जब हमने आर्टिकल 370 को यहाँ पे एब्रोगेट किया, आर्टिकल जो 35A था उसको भी यहाँ पर हमने क्या किया, एब्रोगेट किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से ही पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरफ आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्टेक्ट यहाँ पर नहीं रहा। तो देखिए आर्टिकल द अगस्त अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 370 हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर एनी पाकिस्तानी लीडर टू प्रपोज आर रिस्टोरेशन ऑफ टाइस। जब से आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया गया तब से पाकिस्तानी लीडर जितने भी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि वो क्या करें, इंडिया के साथ जो उनके रिलेशन है उसको यहाँ पर रिस्टोर करें। एज अ रिजल्ट द ऑप्टिक्स आर ग्रिम फॉर द टू लैंड नेबर्स, नो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट एट एनी लेवल, नो ट्रेड, नो डायरेक्ट ट्रेवल लिंक्स बाय एयर रोड और रेल, नो हाई कमिश्नर इन ईच अदर्स कंट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब से आर्टिकल 370 यहाँ पर हटा है, अमेंडमेंट इसमें हुआ है, तो हमारे बीच में कोई भी पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, ना ही कोई ट्रेड कॉन्टेक्ट है, कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है ना बाय एयर रोड और रेलवे, और नो हाई कमीशन इन ईच अदर्स कंट्री। ओके तो अब प्रेजेंट सीनियोरियो की बात करते हैं। प्रेजेंट सीनियोरियो में भी फिर से अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हमें टेरर अटैक यहाँ पर देखने को मिलता है पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, ओके जिसके थ्रू जो हमारे रिलेशंस हैं, अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर SCO की समिट जो होने वाली है, ऑर्गेनाइज होने वाली है इन द नेक्स्ट मंथ इन गोवा, उसमें यहाँ पर आने वाले हैं, और उसके एक दिन बाद ही हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक टेरर अटैक हमें फिर से फेस करना पड़ रहा है। हम धीरे धीरे अब देखिए यहाँ पर पूरा यही बताया गया किस तरीके से हम इंडिया ने कोशिश करी है कि हमारा जो रिलेशन है उसके पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज हो, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसके कारण जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाते हैं। ओके अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रोक रही हैं, पहला तो आर्टिकल 370, जब से 370 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुए इसके प्रोविजंस में चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान इसको क्या करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, सबसे पहली बात। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड मूव, जो आर्टिकल 35A है, 35A यहाँ पर क्या करता है, रीडिफाइन करता है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। 35A यहाँ पर डिफाइन करता है कि मतलब कि जो स्टेट है उसको यहाँ पे परमानेंट, यहाँ पे जो डेमोग्राफी है उसमें यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड मूव क्या हुआ है, जेंडर पैरिटी इन प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। हमने यहाँ पे थर्ड मूव क्या लिया है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा जेंडर पैरिटी इन प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2002 व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द प्रोविजन टेकिंग अवे प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन हु मैरिड आउटसाइड द स्टेट। पहले जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रोविजन था कि अगर कोई भी वुमेन यहाँ पर आउटसाइड द स्टेट यहाँ पर शादी करती है, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है और उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड के किसी पर्सन से यहाँ पे शादी कर ली, तो इन दैट कंडीशन इन दैट केस यहाँ पर क्या होता है, उसका जो प्रॉपर्टी राइट होता है वुमेन का वो उससे यहाँ पर हट जाता है। बट यहाँ पर फिर इसको रिवाइव किया जाता है 2002 में फिर से। फोर्थ यहाँ पर क्या होता है, स्टेट टू अ टेरिटरी विल बी रिजर्व अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वंस इलेक्शन इज हेल्ड। यहाँ पे स्टेट और जो यूटी है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, डाउनग्रेड किया जाएगा और इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा। ओके यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे कुछ लीगल मूव्स नहीं हुए, ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, जो एक नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है वहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होते रहते हैं, सिक्योरिटी क्रैकडाउन्स होते हैं पॉलिटिशियन एंड सिविल सोसाइटी में, इंटरनेट बैन होता है, लॉकडाउन्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं वहाँ पे टारगेट किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूशन हो रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये क्या, इवेंचुअली रिवर्सिंग दीज मेजर्स इज पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी कंट्रैक्ट विद इट्स पीपल। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से क्या कर रही, कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, है ना, मतलब कि एक तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे, लॉकडाउन लगा रहे हैं, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं एक स्टेट में और हम यहाँ पे क्या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी जो चीज़ें हैं उसको क्या कर रही, उसका जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का उसको यहाँ पे ब्रेच कर रहा है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे लिए LOC तो है ही,
एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। दूसरी तरफ हमारे साथ कौन आ जाता है, चाइना आ जाता है। ये LAC आप सभी को पता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक साइड है और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर दोनों फ्रंट में हम क्या चाहते हैं, हमारे वॉर ना हो, तो हमें यहाँ पे जो रिलेशंस है उसको यहाँ पे नॉर्मलाइज करना होगा। आप सभी को पता है हमारे पास यहाँ पे LOC में भी यहाँ पे इतने सारे इशूज है और LAC में भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इशूज है, चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास में ये जो LAC है वो हमारे लिए बिगर चैलेंज है इन कंपैरिजन टू LOC। तो हमें यहाँ पे देखिए LOC को हमें भूलना नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे भूलना नहीं है, बट एट द सेम टाइम LAC हमारे लिए सबसे बड़ा इस टाइम पर चैलेंज बना हुआ है। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनी मिलिट्री ऑपरेशन इज इधर इंडिया और पाकिस्तान टू रिक्लेम अदर साइड इज अनलाइकली टू मेक मच हेडवे एंड वुड अनडाउटेडली अनरेवल more than just the boundary between them. While Pakistani politicians have been heavily opposed to accepting any status quo solution to कश्मीर। अब देखिए पाकिस्तान का साइड जो है, अगर हम देखें पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर मतलब कि जितने भी स्टेटस को सॉल्यूशन है उसको कश्मीर को लेकर उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ओके अब आप सभी को पता है जो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कैसी हैं, न्यूक्लियर कंट्री हैं। तो यहाँ पर अगर टू फ्रंट वॉर होता है, एक साइड में आपके पास चाइना है, दूसरे फ्रंट में आपके पास कौन आ जाता है, पाकिस्तान आता है। तो अगर दोनों फ्रंट में यहाँ पे वॉर होता है तो ये हमारे लिए क्या हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज वीटो बाय साइलेंस। अब देखिए इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया किसके बारे में, जो हमारा कोलिजियम सिस्टम होता है ना, कोलिजियम सिस्टम को हम यहाँ पे बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। तो सेंटर सीम्स टू बी फोर्सिंग कोलिजियम टू रिकॉल इट्स रिकमेंडेशन बाय इनएक्शन। अब यहाँ पर देखिए जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, थ्रू कोलिजियम, आप सभी को पता है। ओके कोलिजियम होता है, ये कोलिजियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आप सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये जो कोलिजियम वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जो कोलिजियम सिस्टम है कैसे आया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही 3 जजेस केस हुए थे। ओके कौन कौन से केस, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट जज केस आता है 1981 में। ओके हमारे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ क्या है कि अगर किसी भी जज की यहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी है तो अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ओके और विद द कंसल्टेशन ऑफ CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हुआ। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोलिजियम जो सिस्टम है, कोलिजियम जो वर्ड है उसको मेंशन नहीं किया गया है। ये जो सिस्टम है ये किसके थ्रू आया है, 3 जजेस केस हुए थे यहाँ पे, 3 केस हुए थे जिसके थ्रू ये कोलिजियम सिस्टम इंडिया में आता है। फर्स्ट जज केस आता है कब, 1981 में। तो 1981 में यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया गया है, ये जो कंसल्टेशन है ना, कंसल्टेशन इसका मतलब क्या है। तो कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये कि प्रेसिडेंट है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो एक दूसरे से वो कंसल्टेशन करेंगे नेम के ऊपर और उस पर्सन को यहाँ पे जज अपॉइंट किया जाएगा। ओके तो उस टाइम सेकेंड जज केस आता है आपका कब, 1993 में। ओके तो 1993 में यहाँ पर क्या होता है, जो कोलिजियम सिस्टम है इसको यहाँ पे जो प्रोसीजर है पूरी इसको यहाँ पे लेकर आया जाता है। ओके फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड जज केस कब आता है, 1998 में, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जो जज होंगे ये पूरा एक कोलिजियम बनाएंगे और वो यहाँ पर क्या करेंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट यहाँ पर करेंगे। ओके इतना क्लियर हुआ, हमने यहाँ पर देख लिया सारी चीजें। अब यहाँ इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि जब ये कोलिजियम यहाँ पर क्या होता है, नेम को रिकमेंड करते हैं और उसको गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, ठीक है, सेंटर के पास, नेम को रिकमेंड किया और उसको सेंटर के पास भेजा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी यहाँ पे नेम रिकमेंड होकर आते हैं तो उनको यहाँ पे देखती है, अगर उनको सब ठीक लगता है तो वो उस पर मतलब कि आपका अपना एसेंट दे देती है, उसमें मंजूरी दे देती है। बट उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि मतलब इस पर्सन को यहाँ पे जज नहीं बनाना है तो एक बार तो पहले वो रिकमेंडेशन के लिए भेजते हैं कि जो कोलिजियम के पास यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप इसको रिकमेंडेशन के लिए फिर से भेजते हैं। बट यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला क्या कि ठीक है पहली बार तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोलिजियम उन्होंने यहाँ पे जो रिकमेंडेशन के लिए नेम आया उसको यहाँ पे रिकमेंड किया, मतलब सारी चीजें देखी कि कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, अगर चेंजेस करने हैं तो ठीक है उन्होंने चेंजेस कर दिया। बट अगर यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कोलिजियम सेम नेम को फिर से रिकमेंड करती है, मतलब
जो सेम नेम है उसको यहाँ पे फिर से रिकमेंड करती है कि नहीं आप इसी पर्सन को यहाँ पर क्या करिए, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको यहाँ पर एज अ जज अपॉइंट करिए। तो उस केस में यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है कि आप उस पर्सन को एज अ जज अपॉइंट करेंगे। ओके, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए इस आर्टिकल में, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, आर्टिकल इसमें है कि यहाँ पर जो कोलिजियम है उन्होंने किसको, जस्टिस एस मुरलीधर जी को चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट के लिए उनका नाम क्या किया था, रिकमेंड किया था। किसने, हमारी कोलिजियम ने एस मुरलीधर जो जस्टिस है उनका चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के लिए नेम रिकमेंड किया। बट यहां पर हमें ये देखने को मिला कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इस नाम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है ना। तो वो अपने इन एक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना एक वीटो पावर है, तो इसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो इन एक्शन है उसको वीटो बाय साइलेंस। अब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, वीटो बाय साइलेंस इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। तो मतलब कि इन एक्शन के थ्रू यहाँ पर मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर टोटल 8 मंथ्स हो चुके हैं ये नेम को यहाँ पर रिकमेंड किए हुए कोलिजियम के थ्रू, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर कोलिजियम ने ये समझ लिया है, मतलब ना तो रिकमेंडेशन के लिए भेजा कि हाँ आप इसको रिकमेंडेशन के लिए फिर से भेज दें, क्यों, क्योंकि अगर रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पर भेजते हैं और कोलिजियम फिर से उसी नाम को यहाँ पर रेफर करता है तो उस केस में यहाँ पर यूनियन के लिए तो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो नेम है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर अब जो नेम जो प्रपोज किया गया वो कौन है, SV गंगापुरवाला जी का नाम यहाँ पर रिकमेंड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया कि वीटो बाय साइलेंस। तो अब गवर्नमेंट एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी वीटो को मतलब इन एक्शन का यूज कर रही है, अपनी साइलेंस का यूज कर रही है एज अ वीटो। ओके, तो सेंटर सीम्स टू बी फोर्सिंग कोलिजियम टू रिकॉल इट्स रिकमेंडेशंस बाय इन एक्शन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर यहाँ पे क्या कर रही है, कोलिजियम को फोर्स कर रही है कि अपने जो नेम्स है उसको रिकमेंड करे, रिकॉल करे बाय इन एक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मिलियन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल मेक इट टू सी आफ्टर ओडिशा बीच होस्ट रिकॉर्ड टर्टल नेस्टिंग। अब यहाँ पे आप सभी को पता है ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में हमने कई बार पढ़ चुका है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं। अब इनके यहाँ पे नेस्टिंग हो चुकी है, तो आप इस पिक्चर को यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बेबी टर्टल्स हैं, अब वो कहाँ जा रहे हैं, सी में यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं। ओके, तो ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार हमने देखेंगे कि ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, दिस ईयर द ऋषिकुल्या बीच हैज होस्टेड अराउंड 6.37 लाख टर्टल, हाईएस्ट एवर कॉन्ग्रेगेशन। तो मतलब कि अब तक का हम देखें, यहाँ पे 50 डेज का पूरा टाइम होता है टर्टल यहाँ पे जो एक सकते हैं, और ये जो पूरी जर्नी होती है 50 डेज की होती है, और इसमें यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि मतलब देखिए यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे पूरा फिनोमिना जो होता है एक पूरा उनकी जो सेफ्टी उसको पूरा जो होता है उसको यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, देखिए ये जो ऋषिकुल बीच है एक कोई यहाँ पर एक यूनिक फिनोमिना हुआ है। यहाँ पे पूरी जो सेफ्टी है मास नेस्टिंग का, जो बेबी टर्टल्स की आउटकमिंग एक्चुअल से उसका यहाँ पे पूरा प्रोविजन मतलब प्रोटेक्शन यहाँ पे किया गया है ताकि यहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एट प्रेजेंट हम देखें तो 6.37 जो लैक टर्टल्स हैं यहाँ पे, मतलब अब तक का हाइएस्ट एवर यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पे नेस्टिंग हुई है। अब ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में देखते हैं, तो ये टर्टल क्या है, वर्ल्ड की अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दीज टर्टल्स आर कार्निवोरस एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड कारस्पेस। इनका ऑलिव कलर होता है जिसके कारण इनका जो नेम है वो डराइव होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस देखते हैं तो ये वल्नरेबल IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये जो वार्म वाटर्स होते हैं पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, वहां पाए जाते हैं। ओडिशाज गरी माता मरीन सेंचुरी इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स। अरीवाड़ा क्या होता है, आप सभी को यहाँ पे ये नाम रखते हैं, ये एक मास नेस्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि एक टर्टल आया उन्होंने नेस्टिंग करी फिर वो चले गए, मतलब ये मतलब लाखों मतलब लैक्स ऑफ नंबर में यहाँ पे सामने आते हैं, इनकी मास नेस्टिंग होती है। तो ये जो मास नेस्टिंग है उसको यहाँ पे एक वर्ड दिया गया अरीवाड़ा। ओके, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स, दे ले एग्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days इन अ कॉनिकल नेस्ट अबाउट 1.5 feet डीप विच दे डिग एंड देयर हेम्स फ्लिप। इनको थ्रेट किस किस से, मैराइन पॉल्यूशन एंड वेस्ट, ह्यूमन कंजप्शन होता है इनका बहुत ज्यादा है ना, इनका जो मांस होता है मीट जो होता है उसकी पोचिंग की जाती है, इसका जो शेल और लेदर जो शेल होता है उसको लेदर वगैरह में इसका यूज किया जाता है, प्लास्टिक गार्बेज
बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो डेब्रिस है प्लास्टिक के, फिशिंग नेट्स के, डिस्कार्डेड नेट्स के, पॉलीथीन, तो इनका जो डंपिंग होती है इसके कारण इनको यहाँ पर क्या होती है प्रॉब्लम्स होती हैं। फिशिंग ट्रैवलर्स के कारण भी इनको यहाँ पर क्या होती है प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया की बात करते हैं तो ये गरिमाठा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि अबेंडेंट नंबर में हमें क्या देखने को मिलता है, ये मास नेस्टिंग करते हुए नजर आते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज यूएन रिपोर्ट्स ऑफ द चार्ट्स मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब यहाँ पे यूएन की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही स्पीड से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और हमें इसका जो मतलब कि हाई नंबर में आप देख सकते हैं, तो वर्ल्ड ग्लेशियर्स मेल्टेड एट ड्रामेटिक स्पीड लास्ट ईयर एंड सेविंग देम इज इफेक्टिवली अ लॉस्ट कॉज। द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ऑन फ्राइडे एज अ क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स वंस अगेन हिट रिकॉर्ड हाई। यहाँ पर हमें क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके इंडिकेटर्स में देखते हुए ये समझ में आया है कि ग्लेशियर्स बहुत ही तेजी से यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहे हैं। ओके, मेनली ये क्यों हो रहा है, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर लास्ट 8 ईयर से हम अगर हम देखें तो जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर हमें अबेंडेंट अमाउंट में, उनका जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ एक न्यू पीक में हमें हिट करता हुआ नजर आ रहा है। अंटार्कटिक सी आइस फेल टू इट्स लोएस्ट एक्सटेंड ऑन रिकॉर्ड एंड द मेल्टिंग ऑफ सम यूरोपियन ग्लेशियर्स वॉज लिटरली ऑफ द चार्ट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ यूरोपियन और अंटार्कटिक सी आइस फेल्स यहाँ पर हुई हैं, और जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं मतलब कि जो आपका सी लेवल है वो भी यहाँ पर हाई हो रहा है, और इसके कारण हमें यहाँ पे देखिए 4.62 मीटर्स पर ईयर बिटवीन 2013 to 2022, डबल द रेट इट वॉज बिटवीन 1993 and 2002। यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है, एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हाइएस्ट टेम्परेचर हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, 90% ऑफ द हीट ट्रैप ऑन द अर्थ बाय ग्रीन हाउस गैसेस एंड अप्स। यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो 90% ऑफ हीट को क्या कर रही हैं, ट्रैप कर रही हैं, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कॉज हो रहा है, और यहाँ पर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें क्या होगा, जो हमारे आइलैंड नेशंस होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। सेकेंड इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं क्या होगा, जो वाइल्ड मतलब कि जो एनिमल्स हैं, है ना, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एनिमल्स पर होगा। थर्ड यहाँ पे जो आपका मैराइन, जो सी मैराइन इकोसिस्टम है उस पर भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। सी लेवल जब राइज होगा तो हमारा जो मैराइन इकोसिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनको फेस करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये कंसर्न वाला टॉपिक यहाँ पर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज डिमांड इज स्ट्रांग इन्फ्लेशन ईजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी डिमांड है इंडिया की वो कैसी है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कंडीशन है, इंडिया की रेजिलेंट डिमांड है, तो डिमांड तो हमारी स्ट्रांग है, बट इन्फ्लेशन भी क्या हो रहा है, हमारा ईज नहीं हो पा रहा है, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे यहाँ पर ईज होता चल रहा है। तो देखिए, एग्रीगेटेड डिमांड कंडीशन रिमेन रेजिलेंट इन इंडिया सपोर्टेड बाय आर रिबाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव सर्विस नोट RBI ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर क्या है मतलब कि इन्फ्लेशन तो है हमें ठीक है समझ में आ रहा, बट स्टिल हमारी जो डिमांड है वो भी क्या है, स्ट्रांग है। ओके, साइट होप्स ऑफ बम्पर राबी हार्वेस्ट फिजिकल थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिवाइवल इन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एज अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर हमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हमारा जो फिजिकल थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमें पॉजिटिव साइंस फेस करने पड़ रहे हैं। राबी हार्वेस्ट में हमें यहाँ पे एक बम्पर होप्स मतलब कि देखने को मिले हैं। ई वे बिल, टोल कलेक्शन स्केल न्यू पीक्स वाइल रिटेल व्हीकल्स स्केल्स हिट 4 मंथ्स हाई। यहाँ पे जो हमारा ई वे बिल होता है, टोल कलेक्शन है, उसमें भी हमें हाई पीक्स मतलब कि रिवाइवल देखने को मिला है। हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है, ओके, CPI इन्फ्लेशन हमारा 5.7% यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है। ओके, रिस्पॉन्स टू मॉनिटरी पॉलिसी एक्शन सप्लाई साइड मेजर्स। तो हमने यहाँ पे सप्लाई साइड जो मेजर्स है उस पर यहाँ पे एक्शन लिए, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला है, हमारा जो कंज्यूमर CPI है, इंडेक्स है, कंज्यूमर इंडेक्स है, तो उसमें क्या देखने को मिला, इन्फ्लेशन है ग्रेजुअली डिक्लाइन फ्रॉम पीक ऑफ 7.8% इन अप्रैल 2022 टू 5.7% इन मार्च 2023। हम अप्रैल 2022 की बात करते हैं तो हमारा जो CPI था वो कितना था, 7.8% था, और आज की बात करते हैं मार्च 2023 की, तो हमारा जो CPI वो 5.7% है। तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिला है, एक डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके, तो उसमें क्या हुआ है, रीबाउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विस सपोर्टिंग डिमांड, मॉनिटरी एक्शन सप्लाई साइड स्टेप्स टू स्लो द पेस ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन टू 5.2% इन क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024, सेज सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स इन द RBI अप्रैल बुलेटिन। नाउ कास्ट
क्वार्टर फोर 2022-23 रियल जीडीपी ग्रोथ एट 5.4%। तो आज के टाइम पर अगर हम क्वार्टर फोर 2022-23 का देखें तो हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी है, 5.4% है। ओके तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। मतलब हमारे हमारी जो इन्फ्लेशन है हमारे कंट्री में हमें ये पता है, बट जो हमारी डिमांड है वो भी यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग है। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।